नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीएन 24 न्यूज। आपके साथ मैं हुराशी। आइए खबरों की शुरुआत करें। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और नगर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी सुरेश कुमार खन्ना ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी जयंती पर उन्हें नमन किया। शहर के सुभाष चौराहे पर लगी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को कैबिनेट मंत्री ने अपने रुमाल से साफ किया। आपको बता दें कि सुभाष चौराहे पर लगी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर जमा धूल को देखकर भाजपा प्रत्याशी सुरेश खन्ना ने अपनी जेब से रुमाल निकालकर सुभाष चंद्र की बोस पर जमा धूल को अपने हाथों से साफ किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को साफ करने के बाद मंत्री ने उन्हें प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को अपने रुमाल से साफ करने के बाद क्षेत्र में लोगों ने संपर्क किया। आपको बता दें कि शाहजहांपुर की नगर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी सुरेश खन्ना लगातार 8वीं बार विधायक है और इस बार 9वीं बार में चुनाव के मैदान में खड़े हुए हैं। सुरेश खन्ना मौजूदा समय में यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री है और यूपी के मिनी मंत्री भी इन्हें कहे जाते हैं। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री और भाजपा प्रत्याशी द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को साफ करते हुए का वीडियो सोशल मीडिया पर पूरी तरह से वायरल हो रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।